अर्ज किया है, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, और अगर न्यूजीलैंड को हल्के मिलिया तो ढंग से पेले जाओगे। नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं लकी और आप देख रहे हो लकी टॉक्स। दोस्तों, 4 साल पहले न्यूजीलैंड को हराकर इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता था और कल न्यूजीलैंड ने इसका बदला सूद समेत ले लिया। इंग्लैंड की पूरी टीम को न्यूजीलैंड वाले कच्चा चबा गए और एक ढकार तक नहीं ली। भाई, हद तो तब हो गई जब ये शेर न्यूजीलैंड के जीतते ही वायरल हो गया। अर्ज किया है, क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे, क्या लेकर आए हो और क्या लेकर जाओगे, और अगर न्यूजीलैंड को हल्के मिलिया तो ढंग से पेले जाओगे। दोस्तों, अब अगला मुकाबला न्यूजीलैंड का भारत से होने वाला है, तो मैच रोमांचक तो होगा ही। वहीं बात करें कल के मैच की, तो इंग्लैंड ने एक बढ़िया बैटिंग पिच होने के बावजूद न्यूजीलैंड की धारदार और सटीक गेंदबाजी के आगे मात्र 282 रन 9 विकेट खोकर 50 ओवर में बनाए। वहीं बात करें न्यूजीलैंड रन चेस की, तो कॉनवे और रचित रविंद्र ने इंग्लैंड की भग्गियां उधेड़ दी। उसके लिए क्या ही कहा जाए, इन दोनों ने इंग्लैंड के साथ खेला नहीं है, खिलवाड़ किया है। वहीं अगर आपने गौर किया हो तो न्यूजीलैंड का सपोर्ट ग्राउंड पर काफी ज्यादा था, शायद इसलिए न्यूजीलैंड वालों ने इंग्लैंड को खूब रगड़ा और 4 साल पुराना बदला ले लिया। वहीं बात करें स्टार ऑफ द शो रचित रविंद्र की, तो उनके पापा ने उनका नाम सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ को मिक्स करके रखा था, पर सचिन पर नाम रख लेने भर से लड़का सचिन जैसा खेलेगा ये तो हमको नहीं पता था। आपको बता दें कि पहला वर्ल्ड कप खेल रहे रचित रविंद्र ने दिखा दिया कि वो लंबी रेस का घोड़ा है जो काफी दूर तक जाएगा। वहीं बात करें आज के मैच की, तो आज पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड का मुकाबला होगा जिसके लिए दोनों टीमें तैयार हैं। आपको क्या लगता है पाकिस्तान और नीदरलैंड में कौन जीतेगा, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। आज के मैच का पोस्टमार्टम हम इसी चैनल पर कल करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।